Hey, y'all, come look at this. भाई मैं ना बचपन में बेंटन देखता था, बड़ा मस्त कार्टून है। सबसे पहले वो 14 साल का चूतिया बच्चा बेंटन, अरे वो बेंटन, बेंटन तेरे पास और कोई कपड़ा नहीं है क्या मादरचोद? 10 साल हो गए मुझे से देखते और 10 साल के बीच में एक ही कपड़ा रगड़ी जा रहा है। और इसके कपड़ों का पुराना रिश्ता है, जब भी ओमेट्रिक्स यूज करके एलियन बदलता तो सबकी गांड पड़ जाती है, दुश्मनों की अलग गांड पड़ रही है, भागो बच्चों की अलग गांड पड़ रही है, क्या एलियन है? और इसके कपड़े कभी नहीं पड़ते बहन के लोड़े, बहन की बहन गुहन ये किताबें पढ़ के काला जादू करती है बेंटचोद। खैर इसका रोल वैसे भी जान बराबर है, बहन के बाद आता है बहन का लोड़ा, कैसे सुपरमैन स्पाइडर वुमैन। तो मैं बाथरूम में कुंफू प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो गलती से तेरा टूथब्रश टॉयलेट में गिर गया, तो मैंने फटाफट उसको फ्लश के नीचे पकड़ के साफ करके रख दिया था। अभी तू भड़क मत, साफ करके रखा था। क्या बोला तूने? साफ करके रखा था। पागल है क्या भोसड़ी के? खत्म, बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बच्चे क्यों पैदा हो जाता है? क्यों? मजबूरी में मजदूरा जो होता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो दिन भर हार्ड वर्क करता है, घर पर जाता है थका हारा रहता है, तो वह थकान अपनी औरत पर मिटाता है। मतलब कि कितना बच्चा चाहिए आपको? अरे 3 से 4 चाहिए। मतलब 2 से काम नहीं चलेगा? नहीं, 2 से काम कैसे चलेगा? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, 2 बच्चे तो इसे ही कन्फर्म है जिसका शादी हो गया। क्या सोच है रे तेरी? कुछ डिफरेंट टाइप का ट्राई करना चाहता हूँ, कुछ थीम बेस्ड, साथ ही एक हमारा गेस्ट हाउस भी बनेगा। मेरा फ्लोर लेकिन इटालियन मार्बल चाहिए, और हाँ फ्लोर ऑफ व्हाइट होगा, और फॉल सीलिंग में लाइट थोड़ा कम हो। समझ रहे हो? आप ठीक है ना? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे रुको जरा, सबर करो। I will show you some of my creations. Yes, sure. आप देख सकते हैं? Please. तो आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार। नानू कौन से सॉन्ग सुन रहे हो? एग्जाम सर पे थे तो मैंने नोट्स बना रखा है, मैंने पास होने के लिए पढ़ाकू दोस्त बना रखा है। क्वेश्चन पेपर देखते ही दिमाग का हुआ भोसड़ा, टीचर से पूछा सर जी ये क्या चोद फैला रखा है? देखिए 1 से लेकर 19 तक मुझे एक भी क्वेश्चन आता नहीं, जो सिलेबस आपने दिया था उससे आया कुछ भी छाट। सर यस, बट व्हाट वुड हैपन इफ फॉर सम रीजन वी इग्नोर समबडी एंड लॉक्ड 100% ऑफ द सेरेब्रल कैपेसिटी? 100%? यस। लेट मी एक्सप्लेन यू, ये बंदा इस बंदे को चूतिया समझता है, और ये बंदा इस बंदे को चूतिया समझता है, और ये जो बंदा है ये इन दोनों को चूतिया समझता है, और ये दोनों जो बंदे हैं वो इसको चूतिया समझते हैं। बेसिकली देखा जाए तो द होल वर्ल्ड इज चूतिया, मतलब पूरी दुनिया ही चूतिया है, समझ रहे हो तुम? आई हैव नो आइडिया। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो टूटने पर ही काम आती है? दिल। कुछ भी। टूटने के बाद क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। दिल टूटता है तो बंदा फिर थोड़ा सीरियस होता है। पहले सीरियस नहीं होता? पहले बंदा का पहले मतलब कोई और भी कई चीजें टूटने के बाद काम आती है, लेकिन वो भाई बता नहीं सकते। नहीं ये जवाब नहीं है हमारा, कोई और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो वो बता दे। सील। राजा जी। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
अंकल अंकल, दिल के पैर होते हैं क्या? नहीं तो बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आप रात में ये क्यों कह रहे थे कि स्वीट हार्ट टांगे ऊपर करे? Hey, y'all, come look at this. Paro, paro, paro. Naro, utaro. गान मारो, सुनती क्यों नहीं बहरी औरत? अंधे लौड़े मेरे कान देख। मस्त है मस्त है। बे कान बोला, गांड नहीं। सॉरी सॉरी। तेरी सात नंगी पुश्ते इतना पैसा नहीं कमाएगी जितना मेरी ये कान की बाली है, समझा? मुंह पे चपाट मारूंगा पागल साली, चुप कर। कैसे खानदान में शादी करके आई मैं? तुम लोग से ज्यादा भूखा फकीर फटीचर भीख मंगा नंगा खानदान नहीं देखा मैंने जिंदगी में। मेरे खानदान के बारे में मत बोल, बहुत पैसा है हमारे पास। सबसे बड़ी चोर है तेरी माँ। क्या बिगाड़ा है मेरी माँ ने तेरा? मुझे बोलती है मोतियों की माला लेके दूंगी तेरे को, हाथ में गजरे के फूल देके बोलती है ये देख मोतियों की माला कितनी सॉफ्ट है, तेरे लिए नरम मोतियों की माला लाई हूँ। मम्मी को कंफ्यूजन है गजरे और मोतियों में। हाँ तो मेरे को तेरे और चूतियों में कंफ्यूजन है, मेरे को सब चूतियाँ तेरी तरह ही दिखते। हम की तरह चमाट मारूंगा, मर जाएगी दरी। तुम लोग से ज्यादा मक्खी चूस मनुष्य लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मेरा नाम बसंत, क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार काफी अच्छे, और मैं एक डायरेक्टर हूँ, मतलब अभी इंडस्ट्री में थोड़ा पैर रखा मैंने, कदम रखा है, समझ रहे हो? और अभी ना हमारी एक म्यूजिक कंपनी है, अब क्या करते हो यार? ज्वेलरी काफी अच्छी है आपकी। क्या आप मेरी ज्वेलरी देख रहे हैं? हाँ आपकी ज्वेलरी देख रहा हूँ, काफी मोटी है ना ये तो यार, चैन में ये सब तू समझा? हाँ। Oh my God, moment है भाई, moment है। I'm flattered. Oh. No need to see that. प्यारी समझ गई। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो कैसे हुआ ये सब? गांव में